नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मनाली के बारे में और मनाली आप कैसे पहुंच सकते हैं दिल्ली से। मनाली एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है हिमाचल प्रदेश में, और दिल्ली से उसका जो डिस्टेंस है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 540 किलोमीटर। दिल्ली से मनाली की दूरी 540 किलोमीटर है, और ये एक वन ऑफ द बेस्ट हिल स्टेशन विच इज़ नियर द न्यू दिल्ली। जैसे मैंने आपको पिक्स में भी दिखाया यहाँ पर, तो ये वहाँ की पिक्स है। बर्फ़ पड़ी होती है, हरियाली है, नदी है, एक फुल ऑफ नेचुरल थिंग्स। तो आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। वहाँ पर आप आइस के ऊपर आइस स्केटिंग कर सकते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो प्ले कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट इन्जॉयमेंट देयर ओनली। और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट विजिटेड डेस्टिनेशन है इन टर्म्स ऑफ हिल स्टेशन। पहले नंबर पे इंडिया में सबसे ज़्यादा विज़िट किया जाता है वो है केरला, उसके बाद मनाली, और ज़्यादातर दिल्ली के लोग जो हैं वो सारे मनाली ही जाते हैं, बिकॉज दिल्ली के पास भी पड़ता है, सिर्फ 562 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप मनाली दिल्ली से कैसे जा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है आप बाय रोड जाओ। अगर बाय रोड जाते हो आप तो 540 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ये जो आपका पूरा रोड है ये बिल्कुल सही है, ये अच्छी तरह बना हुआ। गाजियाबाद से होते हो, उत्तराखंड पंजाब की तरफ से होते हो, आप मनाली पहुँचोगे। जैसे ये आप देखोगे इसके अंदर देहरादून, देहरादून से आगे शिमला, शिमला से आगे हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पर ही आपका आगे मनाली है। तो ये रूट एकदम बढ़िया बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं इस रूट में। अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो आप आसानी से वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप रोड से नहीं जाना चाहते आप फ़्लाइट से जाइए। पर अभी मैंने जैसे फेयर चेक किया फ़्लाइट का, नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है मनाली के पास वो है भुंटर, जो मनाली से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आपको दिल्ली से या किसी भी एयरपोर्ट से भुंटर की फ़्लाइट पकड़नी होगी, और जब भुंटर की फ़्लाइट आप पकड़ रहे हैं तो उसका जो फेयर है, जो इस समय आ रहा है, मैं अभी फेयर देख रहा हूँ, अपनी डेट 15 दिन आगे का, तो फेयर जो आ रहा है, जो आपकी रेंज है 11,000 से 25-30,000 तक जा रहा है। अगर आप इससे अगले एक महीना और का आगे लेते हैं तो फेयर की रेंज जो है वो है आपकी 6,000 से लेकर 15,000 के बीच में। तो मतलब अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो पर बंदा आपको 11,000 से 12,000 तो लग ही जाएगा। अगर आप चार बंदे भी जा रहे हो 44,000 रुपये आपकी जाने की कॉस्टिंग पड़ेगी बाय फ्लाइट, अगर आप दिल्ली से जाते हो तो। तीसरा तरीका है आप बस करके जाओ, जो बसें चलती हैं वो बेस्ट वे है। जैसे कि रेड बस है, आपको बताइए, रेड बस एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके थ्रू आप बस बुक कर सकते हो ऑनलाइन। तो जब मैंने रेड बस पे चेक किया कि दिल्ली से मनाली का प्राइस फेयर कितना है, ये 1500 के आसपास आ रहा है पर हेड, सो ये बहुत इकोनॉमिकल है। अगर आप दिल्ली से जाते हैं तो रामाकृष्ण आश्रम मार्ग से बड़ी सारी बसें चलती हैं, जो शाम को 4 बजे के बाद चलती है, मेनली 5-6 बजे यहाँ से निकल जाती है, और आपको सुबह 6 बजे वहाँ पर मनाली में छोड़ देगी। तो मोर ओवर आपका जो ट्रैवल टाइम है वो 16 घंटे के आसपास का होता है, और ये बसेस कंफर्टेबल भी होती हैं, क्राउड भी सही होता है। तो अगर आप दिल्ली से मनाली जा रहे हैं तो पहला बेस्ट ऑप्शन है अभी अपनी बस करके जाओ, मतलब बस की टिकट ले लो, वो आपको पहुँचा देगी। यहाँ से आपकी बस चलती है आपकी 5 बजे के आसपास, और वहाँ पर आपको पहुँचा देगी सुबह 6 बजे के आसपास। जैसे इसमें ट्रैवल टाइम भी लिखा हो, 14 घंटे 12 घंटे आपका ट्रैवल टाइम रहेगा। दूसरा बेस्ट वे है कि भैया अपनी गाड़ी लेके जाओ। अगर आप अपनी गाड़ी लेके जाते हैं तो आपको 540 किलोमीटर के हिसाब दूरी पड़ेगी दिल्ली से मनाली की। 540 किलोमीटर की दूरी है, उसको आप 11 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो, तो जो भी फेयर आएगा वो आपका फेयर लगेगा जाने का मनाली। तो अगर आप 5-6 बंदों का ग्रुप है तो इस बेस्ट है कि भैया आप जो अपनी कार करके चले जाओ। अगर और भी आपको बहुत जल्दी पहुंचना है मनाली और आपके पैसे की कोई कमी नहीं है तो भाई फ़्लाइट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एयर इंडिया की फ़्लाइट है सारी जो चल रही हैं, अगर आप देखो यहाँ पर सब एयर इंडिया की फ़्लाइट है। यहाँ से आप भुंटर की फ़्लाइट पकड़ो जो मनाली से 50 किलोमीटर दूरी पे है, वहाँ से आप कैब करो मनाली पहुँच जाओ। तो इन बाय दीज थ्री मीडियम यू कैन ईजली रीच मनाली। सो पहला मीडियम था हमारा, जैसे कि हमने आपको बताया, बाय रोड भाई अपनी कार करके चले जाओ,
ठीक है, आपको 7 बंदे या 8 बंदों का ग्रुप है तो आप बड़े आराम से कार करके जा सकते हो। दूसरा ऑप्शन है आप भाई रेड बस कर लो, बड़ा इकोनॉमिकल, 2 बंदे जा रहे हो तो रेड बस इतना इकोनॉमिकल। आपने बस कर ली, बहुत सारी बसें चलती हैं, बहुत कंफर्टेबल बसेज होती हैं, इन बसेस में आप बैठो और सीधा आप मनाली पहुँच जाओगे। और ट्रैवल टाइम भी ज़्यादा नहीं, 13 घंटे का ट्रैवल टाइम, और बीच में बसेज रुक रुक के चलती हैं। और वो भी आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, या तो क्लियर ट्रिप से या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से आप टिकट बुक करवा लो फ्लाइट की, जो आपको सीधा वहाँ पर छोड़ देगी। तो ये 3 मीडियम है। सबसे चीपेस्ट है भाई, अगर आपका ग्रुप अच्छा है तो अपनी गाड़ी करके चले जाओ। दूसरा चीपेस्ट मीडियम है, अगर 2 या 3 4 तक बंदे जा रहे हो तो भाई रेड बस से चले जाओ। चौथा मीडियम है आपका कि आप फ्लाइट से चले जाओ। इन 3 मीडियम के द्वारा आप मनाली आराम से पहुँच सकते हो। पर ये है बड़ी मस्त लोकेशन, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्स देखो, ऐसे ऐसे मज़ेदार व्यू हैं यहाँ पर कि आप जाओगे आपकी मज़ा आ जाएगा, यू विल फील इन्जॉय। और दिल्ली के पास मैंने सारे हिल स्टेशन पे गया हूँ जितने दिल्ली के पास हैं, मसूरी गया हूँ, मनाली गया हूँ, नैनीताल गया हूँ, जितने नॉर्थ की तरफ जितने हिल स्टेशन हैं मैं उन सब में गया हूँ, पर सबसे बेस्ट मुझे मनाली लगा है। मैं मनाली पर जाके मैंने बड़ा इन्जॉय किया था, 4 दिन का ट्रिप मारा था मैंने वहाँ पर, मैं होटल हनीमून इन में रुका था और वहाँ पर इतनी बर्फ़ थी, वाटरफॉल भी था, पैराग्लाइडिंग के फैसिलिटीज़ थी, स्नो बाइक्स थी। तो वहाँ पर जाकर रोहतांग पास का, जब मैं रोहतांग पास पहुँचा तो उसमें बर्फ़ गिर रही थी लाइव। तो ये वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन है कि अगर आपको अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय करना है या अगर आपको फ्रेंड्स के साथ इन्जॉय करना है तो बेस्ट लोकेशन है जहाँ पर आराम से आप इन्जॉय कर सकते हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आपको ये इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट लगी हो आपके हिसाब से, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितनी हमारी वीडियो आए उनको प्लीज़ ज़रूर देखिए। धन्यवाद।